नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बिना मसाले के टेस्टी आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखेगा, उम्मीद है पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते 1000। आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज के फूल गोभी। गोभी को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, देखिए। और लिया मैंने यहाँ पे 3-4 मीडियम साइज़ के आलू, और आलू को भी हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू गोभी अब अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1/4 कप तेल, और तेल को पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। साथ ही हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, और साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। पहले हम फ्राई कर लेंगे। कलौंजी जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम पहले आलू डालेंगे। आलू को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे पहले। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और पहले हम 2 से 3 मिनट आलू को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से आलू गोभी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। बिल्कुल बिना मसाले के आज हम सब्जी को बना के तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट आलू को फ्राई कर लिया है, अब हम डाल देंगे फूल गोभी। साथ ही डालेंगे 1/2 कप मटर। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और 3 से 4 मिनट आलू गोभी को बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करेंगे, जब तक आलू गोभी का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी आप इस सब्जी को खा सकते हो। बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। 3 से 4 मिनट मैंने गोभी मटर डालने के बाद फ्राई कर लिया है। गोभी का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। और मैं यहाँ पे हल्दी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको कलर के लिए डालना है तो आप 2 से 3 पीस हल्दी यहाँ पे डाल सकते हो। तो गर्म पानी हम डाल देंगे करीब 1 कप। बिना मसाले के ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको कलर के लिए डालना है तो आप डाल सकते हो। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक आलू गोभी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 6 से 7 मिनट हो गए और आलू गोभी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है। एक कटोरी में हम थोड़े से आलू और गोभी को निकाल लेंगे और 1 चम्मच से हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इससे जो हमारा ग्रेवी है थोड़ा सा गाढ़ी बन के तैयार होगा। तो बस इतना सा आलू गोभी को हम मैश कर लेंगे। तो डाल देंगे हम मैश किए हुए आलू और गोभी। डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ ही डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच देसी घी। अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारे तैयार है बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी। जब तक आप एक बार बना के इस तरीके से नहीं खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अब हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।